पहले से ज्यादा पुख्ता होता है। तो जब हम ये वाकयात देखते हैं कि जब इब्राहिम अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से खातिब को कहा कि आप, आपने वो ऑब्जर्वर से पहले लफ्ज के बोला, ये ऑब्जर्वर का बोला, उससे पहले आपने एक लफ्ज बोला, क्या ऑब्जर्वर होते हैं? ये क्या लफ्ज है? ग्रेट, द ग्रेट ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं। हाँ, ऑब्जर्वर कुछ और है, वो भी है। नबियों की दो किस्में, वो अल्लाह ताला ने कुछ नबियों को स्पेशल ट्रेजेक्टरी पर सब कुछ दिखाया भी हुआ है। जी मतलब बात सुने, जब मुझे पता होता है ना कि 1:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे, तो मैं जवाल के बाद जोर असर इकट्ठी पढ़ता हूँ। मेरी कसर है, आप बातें दीन की कर रहे हैं और आप लोकल हैं, आप पे कसर नहीं है। असर का टाइम मिस हो रहा हो तो आपकी अपना जिम्मा है, ठीक है जी? हाँ हाँ, जमा करके पढ़ लें, बिल्कुल जमा करके पढ़ लें। सवाल छोटा करो ना बेटा, है क्या? अल्लाह को बगैर देखे हुए ही, रुक जाएं सुन लें, ये पहली दफा किसी मुसलमान ने ये सवाल किया मेरे से आज, पहली दफा लाइफ में, दुनिया में। सवाल पूरा तो करो वैसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौन सा अल्लाह को देखा है? नहीं, नबियों के ऊपर बड़ा टेस्ट है। बड़ा टेस्ट का क्या मतलब होता है, गौर समझे। अच्छा, मुझे दोनों हाथों की इतनी आ रहा था, मैं माइक रख के बोलना शुरू हो गया। जिसने अल्लाह को देख लिया उस पर यह टेस्ट खत्म हो गया, समझ गया ना? ये टेस्ट, ये फिलॉसफी है इस्लाम की। अल्लाह ताला को देख लेने से इंसान के ऊपर टेस्ट खत्म हो जाता है, समझ आ गई बात? नहीं नहीं देखा था ये सवाल तो बड़ा, मतलब हजरत आयशा ने डायरेक्ट आंसर दिया है इसका। जो शख्स भी ये बोले, हदीस है नबी सलाम की, हदीस हजरत आयशा ने बताई कि जो ये शख्स बोले कि मैंने अल्लाह को देख लिया है, उसने कुफर कर दिया। इत्मीनान से ये बात समझ लें कि सवाबों की वैल्यू जीरो हो जाती है आपने अल्लाह को देख लिया हो तो। समझ गए यहां तक? जब अल्लाह को देख ही लिया, फिर किस बात का ईमान? ईमान ये तो नहीं है कि मेरे सामने आप लोग बैठे हुए, ये मेरा ईमान नहीं है। ये क्या है? आइनुल यकीन है ये, खाली यकीन भी नहीं है, इतना पक्का है ये। इसमें मैं कसम उठाऊंगा तो कफारा नहीं देना पड़ेगा, समझ गए? आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये मेरा ईमान तो नहीं है। ईमान तो ये हो कि आप मेरे सामने ना हो और मैं कसम उठाऊं। क्या नाम है आपका? कि अरबाज झूठ नहीं बोलेगा, ये ईमान होना चाहिए। मैं अगर, मेरा ईमान है कि अरबाज झूठ बोलेगा, या आपका ईमान हो कि साहिल झूठ बोलेगा। ईमान ताजा किया ना मेरे किरदार ही कंसिस्टेंसी से, ईमान में और यकीन में फर्क समझ आ गया। तो नबियों को अल्लाह ताला ने ऐसा कोई यकीन नहीं दिया कि अल्लाह अपना दीदार करवाए और उल्टा टेस्ट ही खत्म। उन पर तो टेस्ट ही बढ़े हैं।